गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 94 एंड दिस वर्कशीट फॉर 22nd ऑफ फेब्रुअरी 2022। सो वी हैव ए रिवीजन चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट, इसे अच्छे से समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज हम समझेंगे, ठीक है, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझते हैं प्यारे स्टूडेंट। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन के थ्रू होता है। फ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, यानी वो ब्रेक डाउन कर जाता है जो है ना पेरेंट सेल में और दो या दो से अधिक डाउटर सेल में, ठीक है। तो ये दो टाइप के फ्यूजन होते हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट, ये पेरेंट सेल जो है ना दो पार्ट डाउटर सेल में डिवाइड हो जाता है, उसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि बाइनरी सेल कहते हैं और बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो अमीबा है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अमीबा, ठीक है, ये अमीबा एक पेरेंट सेल है, ठीक है। ये डीएनए कॉपी करता है, यहाँ पे डीएनए कॉपी करता है, फिर ये जो है ना क्या होता है, ये डियर स्टूडेंट आगे और दो पार्ट में अलग होता है, ठीक है। और ये साइटोकाइनेसिस, ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूर्णतः ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दो डाउटर सेल में डिफरेंट अलग हो जाता है। तो ये जो है ना बाइनरी फ्यूजन अमीबा और लेशमानिया में होता है, याद रखिएगा, बाइनरी फ्यूजन अमीबा और लेशमानिया में होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब होता है जो पेरेंट सेल होता है वो कई डाउटर सेल में जो है ना साइमल्टेनियसली वो डिवाइड हो अलग हो जाता है। जैसे कि हम प्लाज्मोडियम को देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। देखिए ये प्लाज्मोडियम है, एक सिंगल सेल है, यहाँ पर एक सेल है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है इसका, ये साइजोंट है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये सेल है। तो ये क्या होता है, कई डाउटर सेल में जो है ना मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। और ये डाउटर सेल में ब्रेक करके ये देखिए कितने सारा सेल प्लाज्मोडियम में जो है ना बन गया है फ्यूजन के थ्रू, ठीक है। अब आगे देखते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे। बडिंग पूछा जाता है, बडिंग किस में होता है, मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है, और साथ साथ में ये भी पूछा जाता है बाइनरी फ्यूजन कौन से पौधे में होता है। तो ये देखिए बडिंग जो है ना आपको याद रखना, ये किस में होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा क्या होता है, जैसे देखिए ये हाइड्रा है, ये थोड़ा सा यहाँ से जो है ना बड हुआ, ठीक है, और फिर ये बड हुआ तो टेंटेकल होता है, टेंटेकल, और ये देखिए यहाँ पे बढ़ा और ये यहाँ से अलग होकर के अलग बन गया। यानी कहने का मतलब है जो ग्रोथ करता है, आउटर ग्रोथ होता है बॉडी का, ठीक है, वो कहलाता है बडिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इस प्रोसेस में फिलामेंट ऑफ द पेरेंट सेल ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे लार्ज एल्गा ब्रेक कर जाता है मेनी फ्रेगमेंटेड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनी फिलामेंट फ्रॉम द इच फ्रेगमेंट। इसमें तो देखिए जैसे कि यहाँ देखिए ये एक है आपका, ठीक है, न्यूक्लियस इसमें है, सेप्टम है, ठीक है, और साथ साथ में स्पायरल क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, डबल अलग में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, देखिए रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पायरोगायरा का है, अब रीजनरेशन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 का भी जो भी मटेरियल होता है अपलोड की जाती है। और साथ साथ में प्यारे स्टूडेंट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा CBSE का, स्कूल का, जो भी अपडेट आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो सारी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए रीजनरेशन क्या होता है, सम स्पेशलाइज सेल हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल और द टिश्यू जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया। अब आगे देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए रीजनरेशन, देखिए ये प्लेनेरिया, ये देखिए इसमें रीजनरेशन कैसे होता है, ये एक अलग पार्ट हो गया, यहाँ पे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, फिर ये रीजनरेशन होता है, यानी ये तीन अलग अलग एक बन जाता है, ठीक है। रीजनरेशन यानी पुनः जन्म लेना। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पोर फॉर्मेशन जब फंजाई हैव स्पोर विच सेटल ऑन द मॉइस्ट फूड टू प्रोपेगेट ए फंगस फॉर द ब्रेड मोल्ड राइजोबियम, ब्रेड मोल्ड राइजोबियम में होता है, ठीक है।
अब आगे देखिए, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस क्या होता है, डेवलपिंग होल प्लांट फ्रॉम इट्स पार्ट लाइक द रूट्स स्टेम लीव्स और लीफ बड्स, यानी जो कंप्लीट प्लांट्स जो है ना क्या होता है, डेवलप होता है, जैसे रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है और लीफ बड्स होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, याद रखना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसको आपको एक एक करके मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, तो आइए इसे अच्छे से देखते हैं प्यारे स्टूडेंट एक एक करके। चलिए तो डियर स्टूडेंट, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, और वीडियो को शेयर करके, क्योंकि डियर स्टूडेंट इस चैनल पे आप सभी के लिए जो क्लास टेंथ का है, नाइन्थ का है, वो कंप्लीट जो ना सिलेबस अपलोड की जाती है और जो भी CBSE का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। और आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो और क्लास टेंथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फ्री क्लास आप ज्वाइन करने के लिए आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको चैनल लिंक मिलेगी और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, हाउ इज फ्रेगमेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम द रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन कैसे अलग है रीजनरेशन से, आपको ये बताना है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे अलग है रीजनरेशन से, तो देखिए फ्रेगमेंटेशन जो है ना क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जो कि फिलामेंट ऑफ पेरेंट सेल ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गा ब्रेक कर जाता है कई फ्रेगमेंटेड लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ मैनी फिलामेंट फ्रॉम इच फ्रेगमेंट, ठीक है। आगे है रेजनरेशन क्या होता है, रेजनरेशन यानी एनी ऑर्गेनिज्म इन सम हाउ कट और ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेज देन मेनी ऑफ दीज फ्रेगमेंटेड डेवलप इनटू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द रीजनरेशन। जैसे प्लेनेरिया होता है ये, ठीक है, इसका एग्जांपल। अब अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्यारे स्टूडेंट, इसको जरूर अच्छे से समझिए। देखिए बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या होता है, यानी पेरेंट सेल जो है ना दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है, जैसे अमीबा और लेशमानिया होता है। तो ये अमीबा का पेरेंट सेल आपने देखा, ये कैसे ये दो डॉटर सेल में अलग हो गया है, राइट। अब आगे है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में ही होता है, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इन मैनी डाउटर सेल इज साइमल्टेनियसली जैसे प्लाज्मोडियम है, यानी जो है ना पेरेंट सेल कई डाउटर सेल में, ये देखिए जैसे एक है यहाँ पे, ये इतना बड़ा और फिर ये सारे अलग हो गए, ठीक है। तो ये मल्टीपल फ्यूजन होता है प्लाज्मोडियम में, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपकी एक वीडियो बनाने में प्यारे स्टूडेंट। हाउ कैन बी अवॉइड ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द फूड आइटम, हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो टू प्रिवेंट ग्रोथ एम्प्टी ओपन कैंस ऑफ द पेरिशेबल्स फूड्स एंड प्लेस देम इनटू द क्लीन स्टोरेज कंटेनर्स विथ ए कवर्स रेफ्रिजरेटिंग इमिडिएटली। एंड नेक्स्ट है गिव टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज बताना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, राइट। एडवांटेज, इट इन दिस रिप्रोडक्शन ओनली वन टाइप ऑफ द पेरेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज टेक लेस टाइम फॉर द रिप्रोडक्शन, ये कम समय लेता है रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स आर द ऑब्टेन रिलेटिवली क्विकली, डैट इज इन अबाउट द शॉर्ट टाइम, तो आपको ये बताना है, ये आपके जो है ना डियर स्टूडेंट ये एडवांटेज हो गए, राइट। अब इसके डिसएडवांटेज भी दो है, देखिए डिसएडवांटेज में आप लिखेंगे वेरिएशंस आर फ्यू, यानी इसकी वेरिएशंस बहुत कम होती है, नॉट ऑल प्लांट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, और इस मेथड के थ्रू हर एक प्लांट को प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको CBSE का स्कूल के रिगार्डिंग जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको सबसे पहले मिले। और क्लास टेंथ में तो आप फ्री क्लास ज्वाइन करने के लिए आप ज़रूर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फ्री क्लास आपको जो है ना प्रोवाइड की जाएगी जो है ना मतलब उस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, लिंक प्रोवाइड करके। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे प्यारे स्टूडेंट।